आज जिला शिमला संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया, क्या क्या मुद्दे डिस्कस किए गए और क्या क्या आश्वासन मिला? हाँ जी, मैं गोपाल जेटा, राष्ट्रपति कर्मचारी महासंघ जिला शिमला का अध्यक्ष हूँ। हमारा 2500 मांग पत्र प्रशासन के पास विचाराधीन था, इस पर आज हमारी JCC कंडक्ट हुई। 2500 मांग पत्र में हमारी कई मांगें थी, उसमें कैपिटल अनाउंसिस को अनाउंस करने का मामला था, HR को अनाउंस करने का मामला था, जो DC महोदय ने रिकमेंड करना था क्योंकि फाइनेंस से कंसर्न मामला। इसके अतिरिक्त कुछ मामले जो हमारे थे ब्लॉक लेवल पे के मामले थे, हमारा जो है जो ऑफिस में कंटीन्स है वो सब्सिडाइज हो, ऑफिस का अच्छा वहाँ वातावरण बने, और मेन जो इशू था हमारा इसके अलावा वो था शिमला के अंदर ट्रैफिक सिस्टम को चैनलाइज करना, प्रॉपर हर जगह से कर्मचारियों के लिए बसेज का प्रावधान किया जाए हर एजिस से, हर जगह से, ताकि वो ऑफिस आने के लिए उन्हें सुविधा रहे और अपनी व्यक्तिगत गाड़ियों का प्रयोग कम करना पड़े। इससे 2-3 चीज़ों का जो फायदा होगा, एक तो पर्यावरण बचा रहेगा, यहाँ पर जो जाम की जो समस्या रहती है उससे निजात मिलेगी, और सबसे अधिक बात जो टाइम पे कर्मचारी आएगा और टाइम पे कर्मचारी को जाने के लिए बस की अगर सुविधा मिलेगी। ये मामले में हमारा ज्वलंत मामला था और टीसी साहब ने इस पर बहुत ही सीरियस व्यू लेते हुए ट्रांसपोर्ट के जो MD थे यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि ये सारा मामला हम देखेंगे, जहाँ जहाँ हमने जो प्रपोजल दी है सरकार को DC माध्यम के माध्यम से वहाँ पर बसेस को उपलब्ध करवाया जाएगा। ये और कई मामले ऐसे थे, जैसे हमारा ब्लॉक लेवल पर जो DC साहब ने अनाउंस कर दिया ब्लॉक लेवल पे NGOs के ऑफिस को एस्टेब्लिश करना, वहाँ पर उन्हें ऑफिस के लिए स्थान देना, तो DC साहब ने कहा कि 15 दिन के अंदर आप ये इंश्योर करोगे कि हर ब्लॉक्स में क्या NGOs के लिए ऑफिस का व्यवस्था आपने कर दी है, वो प्रॉपर ऑफिस वहाँ चल रहा है। ये भी जो कोविड टाइम में ऑनरेरियम जिनने को मिलना था, जो कोविड वॉरियर्स थे, उनके ड्यूज पेंडिंग है अभी गवर्नमेंट के पास, डिपार्टमेंट के पास, वो तुरंत रिलीज किया जाए, ऐसा भी डायरेक्शन DC साहब ने किया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जनरल सेक्रेटरी मोदी भी यहाँ पर बात रखेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्पॉट पे ही DC साहब ने अपने दूरदर्शिता और अपने मतलब जो क्योंकि एक्शन के हिसाब से डायरेक्शन दे दी फील्ड ऑफिसर्स को, और सभी जहाँ जहाँ जो जो काम होने हैं उन्हें, और फीडबैक भी मांगी कि 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी DC साहब को आएगी। तो ये बहुत अच्छी बैठक, जैसे मैंने कहा 10 साल के बाद जो बैठक हुई, इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई, सभी कर्मचारी और अधिकारी कन्विंस हुए कि वास्तव में बैठक जो है रेसिप रिक्वेट हुआ मीटिंग का बहुत शानदार तरीके से हुआ, जो हमारे 2500 मांग पत्र थे उसमें विस्तार से तफसील से चर्चा हुई और उसके समाधान भी हुआ, जो गवर्नमेंट को जाना है गवर्नमेंट का गया, जो यहाँ से सेटल होता है यहाँ सेटल हो गया, और कुछ अन्य मुद्दे भी इसके अतिरिक्त डिस्कस हुए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक तो हमारे बड़े मुद्दे सेटल होता है यहाँ सेटल हो गया और कुछ अन्य मुद्दे भी इसके अतिरिक्त डिस्कस हुए तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक तो जब हमारे बड़े मुद्दे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वो हमारे सेटल कर दिए, स्पेस के लिए अनोमलीज का चाहे हमारे डाइडेंस का था इश्यूज थे वो सेटल हो गए, और बाकी इश्यूज के लिए हमारे जो प्रदेश का अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर जी आज इसी वजह से वो यहाँ नहीं आ सके, वो कैबिनेट में कुछ इश्यूज ऐसे ऐसे जहाँ पेंडिंग इश्यूज है उसका नोटिफिकेशन होना है, उसके लिए वो अभी सेक्रेटेट में डटे हैं। 24 तारीख को हमारा कुल्लू में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है कर्मचारियों का CMG के सम्मान में, वहाँ पर वो जो पेंडिंग इशू है वो भी रिजॉल्व हो गए वहाँ पर जाके, तो ये सारा सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं, अश्विन ठाकुर जी का जो अथक प्रयास है उसका भी हम यहाँ साधुवाद देते हैं, और DC महोदय ने जो बैठक हमारे साथ की और जैसे जैसे डायरेक्शन दी कर्मचारियों की मांगों को लेकर, उसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, और मैं विनोद शर्मा से जो जनता समिति है निवेदन करूँगा ये भी अपनी बात कर सकते। धन्यवाद जिंटा जी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने सारी बातें रख दी आपके सामने, आज हमारी जो GCC की बैठक थी जिला स्तर की, 25 सूत्रीय डिमांड चार्टर हमने जिलाधीश महोदय को दिया था, उस पर चर्चा हुई, सभी खंड स्तर के पदाधिकारी और सभी जिला की हमारी इकाइयां और जो प्रदेश स्तर के जो हमारे विभागीय संगठन हैं उनके पदाधिकारी यहाँ पर बैठक पर पहुँचे थे और सभी विभागों के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित थे। बहुत हेल्दी डिस्कशन हुई, बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर सेटल किए DC महोदय ने, जो उनके परव्यू का मामला है वो उन्होंने सारे, जैसे कि हमारा अपना एक NGO भवन है जिला शिमला का, उसकी मुरम्मत को लेकर मामला है वो उन्होंने उसके लिए बोल दिया है कि उसमें उचित कदम उठाया जाएगा, और जितने भी हमारे खंड स्तर के NGO भवन हैं उनकी मरम्मत भी की जाएगी और जहाँ पर निर्माण की आवश्यकता है वहाँ निर्माण किया जाएगा, और JCC की बैठक जहाँ खंड स्तर पर नहीं हुई वहाँ पर JCC की बैठक का आयोजन किया जाएगा, और उन्होंने 15 दिन के अंदर सभी SDM को
डायरेक्शन दी है कि 15 दिन के अंदर हमारी जो जीसीसी की बैठक है खंड स्तर की वो की जाए। बहुत सारे इश्यूज हमारे ऐसे हैं जो सरकार हमारे प्रदेश सरकार से चल रहे हैं, तो हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर जी वो उस पर कार्य कर रहे हैं। जैसा कि जिल्टा जी ने भी कहा, अध्यक्ष जी ने आज उन्होंने आना था लेकिन वो वहाँ पर जैसे आज कैबिनेट भी है, कुछ हमारे इश्यूज ऐसे हैं जो आज कैबिनेट में लग रहे हैं, उस वजह से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से मिलना था और उनसे वार्ता करनी थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से ये राजनीतिक कर्मचारी महासंघ कार्य कर रहा है, तो प्रदेश स्तर पर हमारी जिला स्तर की इकाइयाँ और हमारे विभागीय संगठन एक मजबूत हमारा एक संगठन है और हम निरंतर प्रयासरत हैं कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए। ये हमारा एक प्रयास रहता है।